बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सॉरी, स्टार लाइफ केयर हॉस्पिटल है ये। डॉक्टर एम ए खान है जो कि एमबीबीएस है और ये अपना सेवा देते हैं। इनके साथ कई ऐसे डॉक्टर की जो टीम है वो यहाँ पे सेवा देती है। बीमारियाँ देख लीजिए, ये जितना बीमारियाँ हैं तमाम बीमारियों के यहाँ पे इलाज होता है। लेकिन यहाँ पे खूबसूरत बात यह है कि अगर आप थावे से हैं, थावे के अगल बगल किसी गांव से हैं आप, तो थावे में 24 आवर ये सेवा, यहाँ पे 24 घंटा ये हॉस्पिटल खुला रहता है। अगर आप चाहते हैं, जैसे सीजनली बीमारी होती है, बहुत लोगों क्या होता है कि वोमिटिंग होना या लूज मोशन वगैरह होना, पेट में दर्द होना, स्टोमक होना, कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं, तमाम बीमारियों के लिए डॉक्टर की टीम यहाँ पे है एक। ये तो थावे के लिए एक गर्व की बात है कि यहाँ पर 24 आवर कई से बड़े बड़े डॉक्टर अपना यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, कई से बीमारियों के यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बजाते हैं। यहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको सब मिल जाएगा। लेकिन अगर जब भी आप यहाँ पे आते हैं थावे में, थावे के अगल बगल से हैं, एकदम चीप रेट में आपके यहाँ पर ट्रीटमेंट करा सकते हैं, दे रहे हैं। यहाँ पे ये बेड है, देख कितना खूबसूरत है, क्लीनिंग कितना है इसमें, ऑक्सीजन वगैरह की तमाम व्यवस्थाएं हैं। यानी अगर कोई भी इमरजेंसी होता है, आपातकालीन पड़ता है, तो ये लोग कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक डॉक्टर की टीम है और डॉक्टर की टीम अहम भूमिका निभा रही है। डेंटल, अगर दांत में भी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी, स्किन में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पे, चूँकि डॉक्टर्स की टीम है और डॉक्टर की टीम यहाँ पे वर्क कर रही है। देखिए ये जो है डेंटल के लिए, ये जो हॉस्पिटल है डेंटल के लिए, यहाँ पे ये तमाम ऐसे सिस्टम जो कि लगाया गया है, आप अब देख सकते हैं आप लोग इधर जो कि डेंटल है और स्किन को लेकर यहाँ पे डॉक्टर साहब अपना सेवा देते हैं बजाबते हैं। और आइए हम यहाँ के जो जो है डेंटल का है, और कुछ अंदर आइए हम ओटी में, तो ये ओटी है, ये ओटी रूम है। देखिए यहाँ पे सिजेरियन के लिए, यानी जो डिलीवरी का जो ऑपरेशन होता है सडनली हो जाता है, उन लोगों के लिए भी इसमें टोटल व्यवस्था रखा गया है। अब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे आखिर किस कौन कौन सी बीमारियों की लोग एज अ ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। चूँकि अगर देखा जाए तो थावे में एक बढ़िया हॉस्पिटल जो कि 24 आवर ये सेवा दे रहे हैं। ये रिसेप्शन है और जो रिसेप्शन पे देखिए एक मरतबा, ये रिसेप्शन है, यहाँ पर रिसेप्शन पे जो कि पुर्जा का ये बात होता है या कोई भी दवा समझ लो, यहाँ पर लोग समझते हैं। आइए डॉक्टर साहब बात करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब है, हम डॉक्टर साहब जानते हैं किस तरह से थावे के लोगों की ये यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। मदनी चौक गोपालगंज जो कि थावे में है, मदनी चौक गोपालगंज रोड है, मेन रोड है। आप आइएगा गोपालगंज से, आइएगा तो बाएं साइड में पड़ेगा और थावे की तरफ जाइएगा तो दाएं साइड में पड़ेगा। ये डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आदाब सलाम, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। डॉक्टर साहब थावे में आप लोग किस प्रकार से लोगों को सेवा कर रहे हैं सर? जी थावे में हम लोग लगभग 1.5 साल हो गया हॉस्पिटल खोले हुए, और यहाँ सेवा अनेकों प्रकार के हम लोग दे रहे हैं, जैसे कि चाइल्ड के लिए नॉर्मल डिलीवरी, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो के भी डॉक्टर हैं। हाँ, न्यूरो के भी डॉक्टर हैं अपने पास, और गायनी भी हैं, और यहाँ हम 24 घंटा सेवा देते हैं। और यहाँ पे हम लोग फ्राइडे को फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं, ओपीडी फ्री है जी, और डॉक्टर के पास जी और संडे को भी हम लोग शुगर और थायराइड के मरीजों को फ्री में दवा और ये ओपीडी फीस नहीं लेते हैं। यही दो मरीज को दो दिन जी। और सुनिए सर, आपके जो हॉस्पिटल है ये काफ़ी पॉपुलर, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई भी परेशानी, नॉर्मल डिलीवरी हम लोग बड़ी आसानी से कराते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लोग बहुत आसानी से इसको कराते हैं, और यहाँ 24 घंटा हम लोग सेवा देते हैं। किसी तरह का अगर मरीज हो, जैसे उसके पास अगर पैसा ना भी हो तो उसको हम लोग इलाज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। थावे में ही है, गोपालगंज भी करीब है और कई से गांव जो सटा हुआ गांव है। इस तरह का हॉस्पिटल है सर इस मोड़ पे? इस तरह का हॉस्पिटल तो है, बहुत सारी हॉस्पिटल है, लेकिन इस तरह से सुविधा पता नहीं देते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन हम देते हैं सुविधा, और गरीबों के लिए खास सेवा हम देते हैं। गरीबों के लिए सेवा ये है कि आप फ्राइडे के दिन आप जो है कि ओपीडी फ्री करते हैं, फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे और संडे को ओपीडी फ्री देते हैं आप, ये भी तो एक मदद की बात है। सर एक्चुअली एक सवाल ये है कि जैसे आप बोले ऑर्थोपेडिक्स, लोग दूर जाना रुख करते हैं, तो यहाँ पे आने से क्या उनको रिलीफ मिलेगा? जी बेशक जरूर मिलेगा रिलीफ, पेशेंट उस तरह के आएंगे तो उनको रिलीफ हम लोग देंगे ही। एमए अहमद कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर चुके हैं? डॉक्टर एमए खान जो है ये गोरखपुर के डॉक्टर हैं, और ये गोरखपुर भी प्रैक्टिस करते हैं दो दिन,
और ये एयरफोर्स से रिटायर्ड डॉक्टर हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ 24 घंटा देते हैं, सोमवार से लेकर आपका जुमरात तक, यानी कि थर्सडे तक, बुध बृहस्पति बार तक यहाँ 24 घंटा सेवा देते हैं ये इस हॉस्पिटल में। जी। अच्छा सर, एक और बात है कि जो डेंटल की बात होती है, डेंटल की भी व्यवस्था है आपके यहाँ? हाँ, डेंटल की व्यवस्था है हमारे यहाँ। डेंटल का जो है, अभी हम लोग 2 महीना फ्री ओपीडी चला रहा है डेंटल के लिए, और डेंटल के लिए 2 महीना फ्री ओपीडी हमारा चल रहा है। उसमें आपका अगर आरसीटी होता है, दांत उखाड़ा जाता है या दांत में मसाला भरा जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसका कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट है उसका बस लगता है, और उसका ओपीडी फीस नहीं लिया जाता है। डेंटल का ओपीडी फीस नहीं है? नहीं नहीं, उसका है। अगर उनको किसी पेशेंट को अगर दिखाना है तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन रहता है ओपीडी, और बाकी दूसरे दिन अगर दिखाना है तो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। 8 बजे से 10 बजे? जी जी। मतलब पूरा फ्री व्यवस्था दूर करके रखे हैं आपने? फ्री, मरीजों को आसान कर दिए? हाँ, मरीजों के लिए आसान है कि अपना आसानी से ट्रीटमेंट करा लें। जी जी जी। यहाँ से गोरखपुर और पटना जैसा हम लोग दे रहे हैं सुविधा। थावे में रहता है? जी जी। अगल बगल के लोगों ये थावे के लिए गर्व की बात है। थावे के लिए गर्व की बात है कि जो दबे कुछ लोग हैं उन्होंने आसानी से इलाज करवा लेते हैं। जी जी, बेशक। और यहाँ जो अगल बगल के रेफरेंस अच्छा मिलता है आप लोगों को? जी, अच्छा रेफरेंस मिलता है। बच्चा यहाँ, बच्चा का भी पेशेंट आते हैं या फिजिशियन केस ज़्यादातर आते हैं। इमरजेंसी तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से उसको हम लोग हैंडल करते हैं। तो देखिए, डॉक्टर साहब थे ये, और हम ये जो हॉस्पिटल का ऑनर है उनसे भी जान लेते हैं। कई से टीम यहाँ पे लगाए हैं, ये हैं जो कि इस हॉस्पिटल का मैनेजर हैं, तमाम चीज़ मैनेजिंग करते हैं, लेकिन इनको शिक्षा से शुरू से लगाव रहा है। इसलिए ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे हैं तो शिक्षा से लगाव रहा है। कई ऐसे बच्चों को ये अपने स्कूल में शिक्षा देते हैं, 400 से 500 बच्चे हैं इनके स्कूल में। और उसके साथ ये सोचे कि एक बार जो गरीब लोग हैं या जो असहाय लोग हैं, जिन लोगों को नीडेड है, जिनको वक्त नहीं है गोपाल का जाने के लिए, तो बीमारी बढ़ जाती है, उन लोगों के लिए इन्होंने थावे में सेवा देना शुरू किया है। चलिए मनेश साहब, क्या कहें, कैसा रेफरेंस मिला है लोगों का? काफ़ी अलग बगल गाँव भी जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छे मरीज हैं, और हम जो यहाँ मैनेजर हैं यहाँ पे सब चीज़ का सुविधा जितना हो सकता है उतना अपने तरफ से छूट करवाते हैं। किफायती रेट है? हाँ जी। और दूसरी चीज़ है कि हम एजुकेशन से हैं और डॉक्टर साहब हेल्थ से हैं, तो हम लोग दोनों आदमी का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और लोगों को इस दोनों में अच्छा सुविधा मिल रहा है। और लोग जो भी यहाँ में मरीज आते हैं ज़रूर एक बार हमसे कंसल्ट करते हैं, या डॉक्टर साहब की दिखाने के बाद या उनसे पहले हमसे जो भी राय लेते हैं। अच्छे प्लेटफॉर्म पर हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं, और जो भी अगल बगल के गांव हैं, बस्ती से जो भी लोग आते हैं, जितना होता है मेडिकल का जांच में या ओपीडी में जितना होता है उतना आदमी कोशिश करता है कि कम लिया जाए, कम लिया जो भी लोगों को फायदा, कम पैसे में बेहतर इलाज के लिए अच्छे सुविधा। यहाँ कितना डॉक्टर की टीम है सर आपके यहाँ? यहाँ पर भी हम लोग 5-7 टीम डॉक्टर भी हैं, हर तरह का डॉक्टर हैं कि नहीं, किस किन भी कोई डॉक्टर लोग का 2 घंटा का ओपीडी है, किसी का 24 आवर का ओपीडी है, किन लोगों का मंडे टू सैटरडे ऐसे स्टेप है। तो देखिए, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप थावे गोपालगंज वाला रोड में, जो कि मदनी चौक है, एक मस्जिद है, मस्जिद के ठीक सामने आप पूर्व साइड में आइएगा तो मदनी चौक है, स्क्रीन पे ये एड्रेस है। अगर कोई भी बीमारी हो 24 आवर्स में आप आकर यहाँ पे मिल सकते हैं। कई ऐसे डॉक्टर्स की टीम है, तमाम डॉक्टर्स टीम आपके लिए काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।